मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डील करने वाले हैं नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि जानते हैं कि नोट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें। तो आज मैंने अपने हिसाब से नोट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक है क्लास नोट्स, एक है इंटरमीडिएट नोट्स और एक है शॉर्ट नोट्स। ये तीनों नोट्स एक्चुअली टाइम के हिसाब से डिवाइडेड है। जब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं टाइम के हिसाब से किस तरह बोल रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि क्लास नोट्स, इंटरमीडिएट नोट्स और शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। क्लास नोट्स वो नोट्स होते हैं जो आप क्लास में ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्लास नोट्स क्लास में प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि आप अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं या फिर कहीं और क्लास में या कॉलेज में या कहीं भी, अगर आप वहाँ पर कोई नोट्स बनाते हैं उसको कहते हैं क्लास नोट्स। ये एक्चुअली मेन नोट्स भी होते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरमीडिएट नोट्स के बारे में। इंटरमीडिएट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं इस वीडियो में। तो डील करते हैं इंटरमीडिएट नोट्स के बारे में। इंटरमीडिएट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो कि आप पढ़ते समय बनाते हैं। उसमें आप केवल उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपको कोई भी फॉर्मूले या फिर कॉन्सेप्ट या कोई बेसिक्स जो कि आपको इजीली क्लिक नहीं हो रही है, आप उन नोट्स में, उन इंटरमीडिएट नोट्स में केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले को लिखेंगे, ना कि आप मेन नोट्स डायरेक्टली कॉपी करेंगे कोई भी चीज़ को। इसीलिए इंटरमीडिएट नोट्स उन चीज़ों को कवर करता है जिसको आपको क्लिक करने में, आपके माइंड को क्लिक करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इंटरमीडिएट नोट्स में उन सारी चीज़ों का कलेक्शन होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स एक्चुअली एसेंस होता है इंटरमीडिएट नोट्स का। मतलब कि आप शॉर्ट नोट्स में केवल उन्हीं चीज़ को लिखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो भी एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो सारे चीज़ शॉर्ट नोट्स में आते हैं। और उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो आपके इंटरमीडिएट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो इंटरमीडिएट नोट से उस चीज़ को उठाई, उस फॉर्मूले और उन कॉन्सेप्ट को उठाई जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपको शॉर्ट नोट्स में उन सारी चीज़ों का एक एसेंस मिल गया, यानी इंटरमीडिएट नोट्स का एक एसेंस मिल गया जिसको आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो और एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले या फिर एग्ज़ाम देने से पहले आप केवल उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही छोटे होंगे वो। तो जैसे ही आप रिवाइज कर लेंगे उसको, आपका पूरा कमांड उन सब्जेक्ट पे बन जाएगा। तो ओवरऑल चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट नोट्स। इंटरमीडिएट नोट्स को आप प्लीज़ इस तरह बनाइए कि आप केवल उन्हीं चीज़ को लिखिए या उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिखिए जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर किसी भी कारण से आपके माइंड में जो चीज़ क्लिक नहीं होती है, तो वही चीज़ केवल आप इंटरमीडिएट नोट्स में रखें। तो ओवरऑल चीज़ें इंटरमीडिएट नोट्स पे ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स, तो एक तरह से क्लास नोट्स जो है जो आप मेन नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स जो कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले होते हैं, लेकिन जो मेन प्रिपरेशन वाला जो नोट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होते हैं इंटरमीडिएट नोट्स। तो ये सारी चीज़ बातें थी क्लास नोट्स या जो आपके प्रिपेयर करते समय जो नोट्स बनाने की प्रोसेस थी, इसमें सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट नोट्स है। तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें थी नोट्स के बारे में। अगर आपको ये सारी वीडियो में जितने भी सारी चीज़ें मैंने बताया, अगर वो चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो पाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर स्टडी।